आज बनाते हैं सिंगल 12 इंची डीजे कैबिनेट, जिसमें कि एक 12 इंची का स्पीकर होगा और एक फ्लेयर जो कि बड़ी वाली होगी 8-12 की जो आती है वो, और ये जो अपना दो एयर होल हो जाएगा तो इसका लुक कुछ इस तरीके का लगेगा ऐसे। तो सभी के हमने टुकड़े भी कटी कर लिए, जिसमें कि अभी अपना फ्रंट हो गया, ये अपने की दो पीस है ये सिंगल 12 के, तो इसमें फ्रंट 4 पीस हो जाएंगे, दो पीस और दो पीस बैक हो जाएंगे, तो ये 4 पीस ही हो गए, जिसका साइज ये रहा फ्रंट एंड बैक का 340 mm by 600 mm। और ये दोनों साइड हो जाएंगे हमारे 375 mm by 600 mm, और जो ऊपर और नीचे वाले हो जाएंगे 375 by 375, ये सभी साइज एम एम है। अब जो जो साइज जहाँ जाए वहाँ वहाँ का लगा लेते हैं, और इसे लगाने के बाद पूरा बनाने के बाद दिखाता हूँ उसका किस तरीके का लग रहा है। लेकिन लगाने से पहले इसमें हमें करने पड़ेंगे ये जो ये वाले होल, एयर पास वाले और फ्लेयर वाले, सभी के होल कर लेते हैं। और इसमें जो है कि हैंडल जो है हम कैबिनेट में बनाएंगे, अलग से हैंडल नहीं लगाएंगे, इसी में कटिंग करके वो हैंडल इसी में रहेगा, तो वो हैंडल भी इसमें निशान लगा के कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमने फ्लेयर का और स्पीकर का होल कटिंग कर लिया, और जो एयर पास का कटिंग है वो हम बॉक्स बनने की बात करेंगे। अब इन बॉक्सों को जोड़ लेते हैं। ये रहा बॉक्स को हमने इतना जोड़ दिया है, एक बॉक्स को, एक बॉक्स बाकी है। अब इसके ऊपर और नीचे का ये लगाना है बस, जो इस तरीके से लग जाएगा बस। ये रहा, और एक नीचे का भी लग जाएगा। अब इसे लगा लेते हैं दोनों को ही। ये दोनों बॉक्सों को हमने इस पर बढ़िया से जोड़ लिया, और फिर अंदर से इसके फेविकोल भी लगा दिया दोनों बॉक्सों में। ये रहा कुछ इसका लुक। अब इसमें जहाँ फ्रंट की ग्रिल टिकेगी उसकी एक बीडिंग लगेगी चारों साइड, और इसके कोनों को गोल करेंगे, और इसमें हैंडल की कटिंग करेंगे, पीछे बैक टर्मिनल की कटिंग कर देंगे। ये हमने बॉक्स के अंदर चारों साइड फिटिंग भी लगा लिए, और इसमें हैंडल की कटिंग भी कर दी है दोनों बॉक्सों में। अब इसमें हैंडल की कटिंग कर दी है, अब इसके अंदर अंदर से एक स्टेप के बॉक्स बनाएंगे जो कि हमने बना रखे हैं। अब जो ये बॉक्स जो है अंदर से ऐसे लग जाएंगे इस टाइप से, ताकि एयर कहीं से बाहर नहीं निकलेगी, और फिर इसे ट्रिमर से फिनिश कर देंगे। चार बॉक्स बना लिए, अब बॉक्सों में इसके अंदर भी लगा लेते हैं। ये रहा इसका सिंगल 12 का फाइनल लुक। इसमें ओनली पेंट का काम बाकी है, इसे दिखाता हूँ पूरा। जी इसके कोनों को हमने राउंड कर दिया, आज से लुक देख लो इसका। और ये अंदर से ये हैंडल के लिए अलग से बॉक्स लगाया, ताकि इसमें से एयर बाहर ना हो। और ये रहा इसका हैंडल, इसे भी हमने राउंड शेप दे दिया ताकि हाथ में लगे ना ये, और इसका लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा।
ये पीछे से इसमें कनेक्शन टर्मिनल के लिए होल है ये। अब इसमें पुट्टी लगाएंगे और इसमें पेंट करेंगे। ये दोनों बॉक्सों पे हमने एक कोट मार लिया है, एक कोट से इसकी फिनिशिंग एक नंबर आ गई है, लेकिन दूसरा कोट मारेंगे। ये रहा बॉक्स का फाइनल लुक, सिंगल 12 का। हमने इस पर दो कोट मार लिए हैं, चारों साइड से दिखा देता हूँ। काफ़ी एक नंबर फिनिशिंग आई है इसके। पीछे से ये टर्मिनल भी लगा दिया है।